Okay, good evening everyone. Let us start. ओके आज हम लोग जो बात करने वाले दैट इज अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए. देयर आर सेवन वेज वी आर गोइंग टू टॉक, सेवन वेज टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सेल्स. सेल्स में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो विच आर द वेज, दैट इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस टुडे, सेवन वेज. ओके जय श्री राम विवेक एंड गुड इवनिंग एवरीवन. सो व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाँ शैलेश अटल यू आर देयर, थैंक यू, गुड इवनिंग. What I'm saying is, आपको why you think self confidence होना जरूरी है when you are sitting in front of customer or you are interacting with somebody prospect. तो self confidence का क्या फायदा है? If we have self confidence, what is how it is going to help us? If you have self confidence, how that is going to help you in your sales? पहले वो देखेंगे, नहीं तो self confidence हमें लाना है, लेकिन क्यों? If that is not clear, क्यों फायदा क्या है? गुड इवनिंग प्रदीप. हाँ प्रदीप एट VNR अथॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट. यस मतलब अगर मतलब कॉन्फिडेंस अगर आपके सब्जेक्ट आपको पूरी तरह मालूम है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा. दैट इज अ गुड पॉइंट. इफ यू नो योर सब्जेक्ट वेल यू विल हैव कॉन्फिडेंस. इफ यू डोंट नो योर सब्जेक्ट वेल यू विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस. अगर हम लोग किसी से बात करने जा रहे हैं, हमें अपना प्रोडक्ट पूरी तरह मालूम नहीं है या इंडस्ट्री मालूम नहीं है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाएगा. गुड इवनिंग अनिल. तो दैट इज वन अदर एनी अदर रीजन वाई वी नीड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सेल्स. लेट अस अंडरस्टैंड वाई दैट फर्स्ट वाई एंड देन see what are the ways by which we can increase the self confidence. Nikhil, you are right to sell product. लेकिन वो product आपके पास सही है, अपना product है, आपका policy, आपका जो भी business है, आसानी से आप बेच सकते हो सामने वाले को अपना product. लेकिन ऐसा क्यों? Self confidence होने से product क्यों आसानी से बिकता है? Let us question the assumptions. We generally assume कि ऐसा होता है, वो सही है. लेकिन let us question कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि हमें ज्यादा insight मिलेगा उसके बारे में. So, Nikhil, you are very right. प्रोडक्ट बेचने के लिए जरूरी है, लेकिन क्यों ऐसा नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ऐसा क्यों? प्रेजेंटेशन अच्छा होता है राहुल. यस सही है. And well in front of clients, yes. Vishnu, you are right. Client takes fast decisions. Agar aapka confidence hai, to client will take decision faster. आत्मविश्वास बढ़ता है, वही तो बात कर रहे हैं हम लोग. आत्मविश्वास बढ़ने से सेल्स क्यों बढ़ता है? वी गेन बिलीफ ऑफ कस्टमर. बिजनेसमैन डिसीजन 4 मिनट में लेता है. हाँ संजय काटे यू आर राइट, दैट विल बिल्ड ट्रस्ट. यू आर राइट, दैट विल बिल्ड ट्रस्ट. You are very right. अगर जो सेल्स पर्सन कॉन्फिडेंट है, he will build trust. The customer will start trusting him. Customer will trust, start trusting him. लेकिन ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि हम लोग बोलते हैं ना, आदमी कॉन्फिडेंट होना चाहिए. Somebody should be confident. Self confident होना चाहिए. तो self में एक तो खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए. There are two more things जिसके ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए. You should have confidence on our own selves and two more things. क्या लगता है आपको? Which are those things? We should have confidence on our own self, that is one. And there should be, we should have confidence on more things. Which are those two things? Total teen cheezon pe confidence hai. So the prospect will be very, you know, he will trust you immediately and the things will be
things will happen fast. Ahmed, we explain our talk smartly. वो बात सही है. हाँ अनिल यू आर राइट. ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग लेके गए वो अनिल यू आर राइट प्रोडक्ट. तो यस रमेश बाबू वी ट्रू वेल्थ ऑल्सो प्रोडक्ट एंड कंपनी. तो वी शुड बी हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन थ्री थिंग्स. वी शुड हैव कॉन्फिडेंस आवर ओन सेल्फ. नंबर टू इज अवर ब्रांड, वट ब्रांड वी आर सेलिंग. अगर आप एल आई सी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, पॉलिसी बेच रहे हो, तो यू शुड हैव कंप्लीट फेथ इन एल आई सी. एंड देन द पॉलिसी अगर आप बेच रहे हो तो कौन सी पॉलिसी आप बेच रहे हो उस पर आपको भरोसा होना चाहिए कि ये पॉलिसी से मेरे कस्टमर का फायदा होगा. वट एवर प्रोडक्ट आई एम सेलिंग इट इज गोइंग टू हेल्प द कस्टमर. अगर मुझे वो कॉन्फिडेंस है कि मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उससे मेरे प्रोस्पेक्ट का फायदा होगा, तभी मुझे मेरे प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होगा. व्हेन आई बिलीव दैट व्हाट एवर प्रोडक्ट आई एम सेलिंग इज गोइंग टू हेल्प द कस्टमर, देन ओनली आई विल हैव कॉन्फिडेंस ऑन माय ओन प्रोडक्ट. सो वी शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन थ्री थिंग्स: सेल्फ, ब्रांड एंड प्रोडक्ट. सेल्फ, ब्रांड एंड प्रोडक्ट, दीज आर द थ्री थिंग्स. अभी क्या होता है, अभी जैसे अगर आप लेटेस्ट टेक एग्जांपल ऑफ एलआईसी, तो अगर मैं आपको पूछूं कि आदमी एलआईसी का प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, तो आप बहुत सारे रीजन बताओगे. बिकॉज एलआईसी इज अ बिग ब्रांड. ब्रांड का मतलब क्या है? ब्रांड वो चीज है जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट है. ब्रांड का मतलब क्या है कि पीपल ट्रस्ट. इफ पीपल आर ट्रस्टिंग ऑन योर कंपनी, द कंपनी इज अ बिग ब्रांड. लाइक पीपल ट्रस्ट एलआईसी, द एलआईसी इज अ बिग ब्रांड. जो प्रोडक्ट्स है, जैसे आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, जीवन उमंग है, जीवन अक्षय है, जो भी है, सो द प्रोडक्ट्स आर आल्सो गुड. एलआईसी व्हाट एवर इट इज कमिटिंग, एलआईसी इज मेकिंग श्योर कि एलआईसी वो डिलीवर करती है. एलआईसी ने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला ये रहेगा, तो कुछ भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम मिलता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें. तो एलआईसी इज अ बिग ब्रांड. एलआईसी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो बिग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बिकॉज दे डू वॉट दे कमिट. एलआईसी एंड द प्रोडक्ट्स डू वॉट दे कमिट. तो जैसे मैंने बोला तीन चीजें, सेल्फ, ब्रांड एंड प्रोडक्ट. ब्रांड एंड प्रोडक्ट का तो समझ में आ गया, एलआईसी और आपकी पॉलिसी का समझ में आ गया. अगर आप एलआईसी का माल बेच रहे हो तो एलआईसी ब्रांड बड़ा है और आपके पॉलिसी भी बड़ी है, ओके. लेकिन व्हाट अबाउट यू? अगर एलआईसी के ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, एलआईसी के ऊपर लोगों को ट्रस्ट है और वो मालूम है लोगों को, दुनिया को, वैसे आपके ऊपर उनको ट्रस्ट है क्या? तो आपके कॉन्फिडेंस से ट्रस्ट आएगा. आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर ट्रस्ट आएगा. और एलआईसी यूनिक है, इतने सालों से है, गवर्नमेंट बैक्ड है, वगैरह वगैरह. प्रोडक्ट्स आपकी यूनिक है, जैसे जीवन उमंग यूनिक है, वैसे एज अ सेल्स पर्सन मैं आपको अगर पूछूंगा कि आपका यूनिकनेस क्या है, ऐसा कौन सा चीज आपके पास है जो और 13 लाख एडवाइजर में नहीं है. जैसे एलआईसी अपने धंधे में क्यों बढ़ा है, बिकॉज व्हाट एलआईसी डज, उनके कॉम्पिटिशन से वो शायद कुछ और अच्छा करती है, सब यूनिक करती है, इसके लिए एलआईसी हैज बिकम अ बिग ब्रांड. वैसे आपको ब्रांड क्यों बोलना चाहिए? व्हाट इज दैट यूनिकनेस इन यू व्हिच विल मेक, which will force the customer to trust you as a brand. तो वो आपने आपको अपने आप से पूछा है. Because LIC और उसके प्रोडक्ट सबके लिए है. There are so many advisors, हर एक आदमी वही एडवाइजर, जो एडवाइजर खुद भी एक ब्रांड है. ब्रांड है मतलब उसके पास ऐसा कुछ यूनिकनेस है, समथिंग विच इज यूनिक इन हिम, देन ओनली इट इज कॉल्ड ब्रांड. एंड समथिंग विच विल मेक कस्टमर ट्रस्ट दैट पर्सन. एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता है, लेकिन बाकी चीजें भी, जैसे टेस्टिमोनियल है या और कुछ चीजें आप बोलोगे, सो दैट ही शुड ट्रस्ट यू, ही शुड हैव कॉन्फिडेंस इन यू, योर कंपनी एंड योर प्रोडक्ट. सो आपका, आप में से कोई बता सकता है टाइप करके कि ये मेरा यूनिकनेस है, ये और कोई नहीं करता. इंडिया में टोटल 25 लाख एडवाइजर्स है, 25 लाख एडवाइजर्स है एलआईसी प्लस अदर कंपनीज मिलके. ये 25 लाख लोगों में मैं ये करता हूँ, कोई नहीं करता, ऐसा आप में से कोई बोल सकता है क्या? आई एम श्योर यू में से कोई होगा. तो क्या आप ऐसा यूनिकनेस क्या है वो आप टाइप करोगे, तो दैट विल हेल्प एवरीबडी, उसमें से और किसी का भला हो सकता है. तो आपका यूनिकनेस क्या बताओ, अगर है तो, नहीं है तो आप बोलो मतलब यू डोंट टाइप एनीथिंग, देन आई विल नो कि आपका यूनिकनेस कुछ नहीं. देन ब्रांड, आपका ब्रांड, मैंने क्या बोला, सेल्फ, ब्रांड एंड द प्रोडक्ट. तो सेल्फ में इशू आ जाएगा. तो व्हाट इज दैट विच यू आर डूइंग विच नो अदर एडवाइजर इज डूइंग? What is that which you are doing, which no other salesperson is doing?
आप जो भी बेच रहे हो, वॉट एवर यू आर सेलिंग, वॉट आर यू डूइंग विच नोबडी एल्स इज डूइंग, ट्रांसपेरेंसी एंड बेस्ट सर्विसेज. अनिल यू आर वेरी राइट, लेकिन वो प्रूव कैसे करोगे? वो प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीबडी 25 लाख एडवाइजर बोल सकते हैं मैं ट्रांसपेरेंट हूं और मेरा सर्विस अच्छा है, बेस्ट है, सो दे हैव टू प्रूव इट. हाँ, सो विनायक जादव यू आर सीइंग कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या बोलना चाहते हो, कंसेप्ट सेलिंग करते हो? सो व्हाट इज दैट इन यू विच इज यूनिक? क्योंकि अगर आपके पास कुछ यूनिक नहीं है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, यू विल स्ट्रगल, देन देयर विल बी कॉम्पिटिशन. आपका कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपको कॉम्पिटिशन है, अगर आप मार्केट में कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हो, तो यू आर नॉट यूनिक. In case of LIC, the competition is we our own self. We have to go out and talk to people. That is the biggest competition. वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा. लेकिन if you are selling any product, आपके ऐसा product और भी कोई बेच रहा है, और आपने उसको अपने product को differentiate नहीं किया, then you will not be able to sell. People will ask you, why can't I go to that other person? Okay, Jay Kishan, you are saying if you are not satisfied, you will not sell the product. अब आप जो भी बोल रहे हो ना कि मैं मेरा सर्विस अच्छा है, मैं ऐसा करता हूँ, ये कुंदनी सिंह लुक रिक्वायरमेंट, कस्टमर का रिक्वायरमेंट देखता हूँ, ये सारी चीजें आई रिस्पेक्ट दोस थिंग्स, लेकिन यू हैव टू प्रूव दैट टू कस्टमर प्रोस्पेक्ट. अगर वो आपको मिलता है पहली बार दूसरी बार, तो यू हैव टू प्रूव दैट समहाउ. आई डोंट नो हाउ, बट यू हैव टू प्रूव इट. ट्रू वेल्थ इज सोल एडवाइजर, ऑल ऑफ हिज क्लाइंट्स आर कवर्ड फॉर मिनिमम 1 करोड़ हेल्थ कवर. ओके, ट्रू वेल्थ, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, बट आप बोल रहे हो कि आपके मिनिमम 1 करोड़ का हेल्थ कवर आपने सबको दिया है. ऑल योर क्लाइंट्स हैव मिनिमम 1 करोड़ हेल्थ कवर, वेरी गुड, समथिंग वेरी यूनिक, वेरी गुड. अनिल यू मस्ट शेयर एक्सपीरियंस ऑफ अवर प्रीवियस क्लाइंट्स. आप वेरी राइट अनिल, लेकिन वो कैसे, हाउ विल यू शेयर? सामने वालों को कैसे मालूम पड़ेगा? अभी अनिल को मैं जानता हूँ कि अनिल अच्छा एडवाइजर है, अनिल अच्छा इंसान है, बट हाउ समबडी न्यू, हाउ ही विल नो कि दिस मैन आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन? हाउ विल यू Will you convince him? आपके existing customers आपसे खुश है, उसको कैसे मालूम पड़ेगा? आपने अपने existing customers का भला किया है, आपने ये नहीं सोचा कि मेरा फायदा, मेरा कमीशन, मेरा फायदा, उससे अच्छा आपने कस्टमर का फायदा सोचा, उनको अच्छा सोल्यूशन दिया है, उनकी लाइफ आपने बनाई है. हाउ दैट विल बी प्रेजेंटेड टू द प्रोस्पेक्ट हु डजंट नो यू? क्योंकि वो आएगा आपके ब्रांड बिल्डिंग में, और वो अगर आपके पास कुछ है, वो टूल्स आपके पास है, तो आपको कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगी, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी कंपनी और आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे है ही, लेकिन आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा. अब विष्णु नीड बेस्ड सेलिंग थोड़ा आगे जाएगा मेरे भाई, वो आगे की बात है. पहला तो कस्टमर भी ट्रस्ट शुड बी एस्टैब्लिश्ड. जब तक अगर विष्णु, अगर मैं आपको फोन करूं, रिंग होने से कुछ नहीं होगा, आप जब उठाओगे फोन तभी हम लोग का कनेक्शन हो जाएगा, देन व्हाटएवर आई टॉक यू विल लिसन. उसी तरह जब तक कस्टमर को ट्रस्ट नहीं आता, वो आपसे कनेक्ट नहीं होता. हाँ जितेंद्र, यू आर वेरी राइट, टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल. सो आप लोग में से कितने लोग हैं जो टेस्टिमोनियल बताते हैं? हाँ प्रदीप सिंह, बाय इंट्रोड्यूसिंग अवर कस्टमर टेस्टिमोनियल. आप में से कितने लोग हैं जो हु हैव वीडियो टेस्टिमोनियल्स? आपके पास वीडियो टेस्टिमोनियल है कि भाई दिस इज, और ऑनेस्ट हाँ, उसमें ये नहीं किसी को बोलने के लिए बोला, जेन्युइनली आपने किसी को कुछ प्रोडक्ट दिया, ही इज वेरी हैप्पी विद योर सर्विस एंड ऑल दैट, ही शुड क्रिएट अ वीडियो टेस्टिमोनियल एंड विच यू शुड गिव इट टू पीपल. ये ऐसा है, वो जरूरी है. आप अभी किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो बोलते हैं कि आप उधर जाओ, नेट पे जाइए और हमको रैंकिंग दीजिए. इफ यू गिव अस रैंकिंग, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. आपका बिल अगर 1000 रुपया हुआ है, दे विल से आप जाकर रैंकिंग दे दो, आपको 10, आपका 100 रुपया बच जाएगा. तो यू ऑल्सो ओके, चल यार जाता हूँ, बिकॉज दे विल यूज दैट एज अ टेस्टिमोनियल. और कोई रेस्टोरेंट में आना चाहता है तो पहले वहां चेक करेगा कि लोगों को कैसा लगा है, अगर रेटिंग अच्छा है तो यूल से ओके लेट अस गो. सो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज टुडे इट इज नॉट, पहले एक जमाने में लेबर इकोनॉमी होता था, लेबर बहुत जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा. बाद में नॉलेज इकोनॉमी आ गया, वो अभी भी है, लेकिन नॉलेज इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसको ज्यादा मालूम है वो आगे चला जाएगा, लेकिन अभी नॉलेज इकोनॉमी भी नीचे जा रहा है, बिकॉज आज गूगल में सब कुछ मिलता है. आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, गूगल में सब कुछ है. नाउ टुडेज इकोनॉमी इज अटेंशन इकोनॉमी, अटेंशन इकोनॉमी. आप जैसे प्रोस्पेक्ट का अटेंशन खींच लोगे, जितना अटेंशन आप ज्यादा खींच सकते हो, यू हैव टू ग्रैब द अटेंशन, ग्रैब. यू डोंट हैव टू टेक द अटेंशन, यू हैव टू ग्रैब द अटेंशन. अगर आपके प्रोस्पेक्ट का अटेंशन आपने ग्रैब कर लिया, तो आपका सेल हो जाएगा. यू हैव टू, दिस इज अ अटेंशन इकोनॉमी. आप याद रखो बात, अटेंशन इकोनॉमी, इट इज अ अटेंशन इकोनॉमी.
जो जिस जो ज्यादा अटेंशन खींच लेगा, अभी दो एडवाइजर आ गए लेकिन किसी ने टेस्टिमोनियल बताया, जो टेस्टिमोनियल में कस्टमर ने बोला है कि यार मैंने इनसे लिया और उन्होंने मुझे सर्विस दिया व्हाटएवर, अच्छा कुछ बोल दिया है जो सही भी है, आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, ही विल ऑलवेज हैव एज ओवर द अदर गाय, हु विल से कि मेरा सर्विस अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो मुंह से वर्ड निकलता है उसको कोई वैल्यू नहीं होती अनलेस यू सपोर्ट इट विद सम टेस्टिमोनियल। ठीक है, तो आप ये बात याद रखो। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टार्ट गेटिंग टेस्टिमोनियल। आप लोग के बहुत बहुत सारे कस्टमर्स आए नो, आपने बहुत सारा कस्टमर बेस ओपन किया है, लॉट ऑफ कस्टमर्स हैव बेनिफिटेड आउट ऑफ यू, इफ यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम दे विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव अ टेस्टिमोनियल, एंड दैट यू शुड हैव विद यू इन योर सेल्स किट, यू शुड हैव अ सेल्स किट। और मे बी कस्टमर ने अगर आपको अपॉइंटमेंट दिया है तो आप उसको जाने के पहले आप बोले दो वीडियो आप देख लो, भले वो छोटा वीडियो लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, एक मिनट दो मिनट के नीचे होना चाहिए, अगर वो दो वीडियो देख ले तो ही विल ऑलरेडी हैव सम इंप्रेशन अबाउट यू। आप आने के पहले जैसे कोई स्टेज पे आता है तो स्टेज पे कोई आदमी उसके बारे में बोलता है कि ये आदमी ऐसा इसने ऐसा किया ऐसा किसा है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम विद अ बिग गिव हिम अ बिग हैंड, और वो अंदर आता है स्टेज पे, तो ये जो पहले वाला जो एडिफिकेशन जो बोलते हैं वो आपका वीडियो देख के उसको हो जाएगा आपके बारे में, तो वो टेस्टिमोनियल आपने करना चाहिए। तो दैट इज हाउ इट इज। सो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए खुद पे, आपके ब्रांड पे और आपके प्रोडक्ट पे, क्योंकि कॉन्फिडेंस, अगर कस्टमर को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है तो कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट आता है। कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू ट्रस्ट, इफ ही हैज कॉन्फिडेंस ऑन यू ही हैज ट्रस्ट ऑन यू, एंड व्हेन ही हैज ट्रस्ट ऑन यू ही विल डू बिजनेस विद यू, ही विल गिव यू सेल। अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप सोने का बिस्किट ठोकर में दोगे तो भी नहीं लेगा, अगर ट्रस्ट है तो आपसे वो खरीदेगा, बिकॉज पीपल बाय पीपल, पीपल लाइक पीपल, पीपल डू बिजनेस विद पीपल। जब तक वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा आगे नहीं जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए आप देखोगे कुछ एडवाइजर टीओटी है, कुछ सीओटी है, और कुछ एडवाइजर 12 पॉलिसी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे, कंपनी वही प्रोडक्ट वही, लेकिन somebody is earning करोड़, somebody is not earning even few thousands। ऐसा क्यों? बिकॉज वो आदमी मैटर करता है, वो आदमी अगर आपने आपको बेच नहीं पाया खत्म। तो तीन चीजों में से दो चीजें आपके पास बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक चीज वो आप, और वो आप प्रॉपरली ब्रांड करके पोजिशन नहीं करोगे, इट विल बी अ टफ टास्क। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू जनरेट कॉन्फिडेंस। ये मैंने आपको बोला है कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट टू गेट द सेल। तो नाउ फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग ऑन अवर स्ट्रेंथ्स। आपके स्ट्रेंथ के ऊपर हमने काम करना चाहिए, वी शुड वर्क ऑन अवर स्ट्रेंथ्स। अभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम देखोगे उसमें हम लोग को मालूम पड़ता है कि ये मेरी गलती हो रही है, दैट इज गुड, आई एम नॉट सेइंग वो नहीं मालूम होना चाहिए, कि समझ में आता है ये मेरी गलती हो रही है, वी इंप्रूव, दैट इज ऑल्सो इज रिक्वायर्ड। लेकिन अभी आप जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, आपकी जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ है उसको आप कैसे डबल कर सकते हो, क्योंकि आज आपके पास, प्लीज अंडरस्टैंड, आज आपके पास जो भी इनकम आ रहा है, आज आपके पास जो भी प्रॉफिट्स आ रहा है, वो सिर्फ आपके स्ट्रेंथ की वजह से आ रहा है। अगर आप साल का 100 रुपया कमा रहे हो, एग्जांपल ले रहा हूं, साल का 100 रुपया कमा रहे हो, तो दैट 100 रुपीज इज कमिंग मेनली, उसमें से 90% आपके स्ट्रेंथ की वजह से आ रहा है, बाकी 10% में भी सम अदर रीजन, लेकिन मेजरली इट कम्स फ्रॉम योर स्ट्रेंथ्स। तो जो चीज आपको 90 रुपीज दे रहा है, 90% बिजनेस दे रहा है, वो चीज को अगर आप बढ़ाओगे तो आपका जो पाए है 100 रुपीज का जो बिजनेस था वो 200 हो जाएगा। सो प्लीज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, टेक योर स्ट्रेंथ्स टू द नेक्स्ट लेवल, ऑलवेज वर्क, कीप ऑन थिंकिंग हाउ कैन आई इंक्रीज, जो मैं अच्छा कर रहा हूं उसको और अच्छा कैसे करूं। गुड इवनिंग गोपाल। तो बेसिकली क्या होता है, दो चीजें, एक तो आप अपना वीकनेस को रिमूव करो, आपके वीकनेस को रिमूव करो, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, ऑफ कोर्स दैट इज रिक्वायर्ड, और जो स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ाओ। तो स्ट्रेंथ को बढ़ाना आसान है, जो आपको अच्छा आ रहा है उसको और बढ़ाना आसान है, जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है या आपको जम नहीं रहा है उसको रिपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वो भी करना चाहिए, डोंट गेट मी रॉन्ग, वो भी करना चाहिए, लेकिन जो आपके पास स्ट्रेंथ है उसको आप जल्दी से बढ़ा सकते हो, और जैसा स्ट्रेंथ बढ़ा आपका इनकम बढ़ा। यस अनिल, क्लाइंट शुड बी योर एडवोकेट, क्लाइंट शुड बी योर सेल्स पर्सन। वो लोगों को जाके बोलना चाहिए अनिल मूले के पास जाओ, ये आदमी को मतलब आई ट्रस्ट हिम, यू आल्सो कैन ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। पीपल शुड सेल यू टू देयर नियर एंड डियर वंस। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्ड ऑन अवर स्ट्रेंथ्स, इन द सेंस व्हाट एवर स्ट्रेंथ्स यू हैव, ट्राई टू टेक द स्ट्रेंथ्स टू द नेक्स्ट लेवल, ओके, एंड ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट योर वीकनेस into strengths, but that is a big process, that is a tedious process, that is a long process, it should be adopted, lekin strength ko aur add karne mein aasani hogi aur wo aapne karna chahiye, that will immediately give you result, your result will go up। to agar main aapko puchunga ki as a sales person, aap sales mein ho, aap sab log sales mein ho, to aapka strength kya hai, can you type in the chat box ki this is my strength, I am not talking about weakness today,
टुडे वील टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ, ये मेरा स्ट्रेंथ है, तो कैन यू टाइप द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ कैन बी एनीथिंग, मतलब आई कैन बिल्ड रैपो फास्ट, आई एम गुड एट टेलीकॉलिंग, आई एम गुड एट वन टू वन मीटिंग, क्या है आपका स्ट्रेंथ क्या है? और स्ट्रेंथ के ऊपर आपने काम करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, प्लीज टाइप डाउन द स्ट्रेंथ्स विच यू हैव। ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये ऑलरेडी मेरा स्ट्रेंथ है, आज मेरा जो भी बिजनेस हो रहा है ये स्ट्रेंथ की वजह से हो रहा है। अभी जो वीकनेस है उसको मैं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूंगा तो बिजनेस मेरा बढ़ेगा ही, लेकिन जो स्ट्रेंथ है उसको भी और आगे लेके जाऊंगा तो बिजनेस और बढ़ेगा। सो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? ऋषि गुड इवनिंग, मिस्टर कोहली कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज, वेरी गुड। नितेश लिसनिंग स्किल्स एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वेरी गुड। निखिल सिंह नेटवर्किंग स्किल्स, अच्छा है, वेरी गुड। प्रदीप, वेरी गुड, इंटीग्रिटी। एंड राजेश इज गुड एट वन टू वन मीटिंग। सो अभी आप ये देखो कि आपका जो स्ट्रेंथ है, जैसे श्रीराम इज सेइंग प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, तो नाउ श्रीराम हैज टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा प्रोडक्ट, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ श्रीराम, ही इज गुड एट प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, अपना प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं। नाउ ही हैज टू अंडरस्टैंड कि मैं प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन अच्छा करता हूँ, अभी ये मेरे स्ट्रेंथ से मैं फायदा कैसे और ले सकता हूँ। अभी श्रीराम मस्ट बी प्रेजेंटिंग हिज प्रोडक्ट्स टू से पीपल हु आर अर्निंग 1 lakh, एवरेज सैलरी जिनका 1 lakh है उनको श्रीराम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। नाउ श्रीराम इज गुड इन प्रेजेंटिंग, व्हाई कांट श्रीराम डू दैट सेम प्रेजेंटेशन टू पीपल हु आर अर्निंग 5 lakhs पर मंथ? तो अपना स्ट्रेंथ उन्होंने बड़े लोगों के पास लेके गए, मतलब ही इज इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। अभी 1 lakh पर मंथ वाले को मैं प्रेजेंटेशन अच्छा कर रहा हूँ, नाउ लेट मी डू इट विथ 5 lakhs पर मंथ। मेरा स्ट्रेंथ तो है ही, मेरा स्ट्रेंथ है प्रेजेंटेशन का, लेकिन कैन आई टेक इट टू द पर्सन हु इज अर्निंग 5 lakhs पर मंथ? नाउ इफ श्रीराम स्टार्ट्स डूइंग दैट, हिज इनकम विल गो अप। प्रेजेंटेशन उनका स्ट्रेंथ है, लेकिन प्रेजेंटिंग, यू आर प्रेजेंटिंग टू समबडी हु वाज ड्राइंग 1 lakh पर मंथ, नाउ ही इज ट्राइंग टू प्रेजेंट टू पीपल हु आर ड्राइंग 5 lakhs 10 lakhs पर मंथ, तो ऑटोमेटिकली उनका बिजनेस बढ़ जाए। सो ऑल ऑफ यू लुक एट यूर स्ट्रेंथ्स। जैसे मिस्टर राजू सिंह, रिलेशनशिप बिल्डिंग, इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट स्ट्रेंथ, आसान नहीं। रिलेशनशिप बिल्ड करना सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक वो आदमी का रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता, मतलब ट्रस्ट, रिलेशनशिप बिल्डिंग इज ट्रस्ट बिल्डिंग। When the relationship will be established, when the trust is established. अगर आप trust build कर सकते हो राजू, now you have to understand what is the average income of my prospects. So can I go to people who are earning 10 times than that customer? अगर 1 lakh रुपए per month मेरे average customer का income है, can I go to 10 lakh per month? अलका combination presentation, Anil is saying confidence, very good. One to one meeting or body language, yes, Papiyam. Kamlesh or proactive, that is also a very good thing. So, aap iske upar abhi kaam karo, aapke khud ka strength hai. These are all your personal strengths. These are all your personal strengths which will help you in your professional lives. These are the strengths which will help you in professional life. Ye strengths, believe me, ye strengths aapka income badhayegi. Ye same strength aapka income double kar degi. शरद कामले, ओके। तो आपको अभी ये सोचना है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है उसको मैं किस तरह से और बढ़ाऊं, ताकि उसको इस तरह से मैं इंप्लीमेंट करूं ताकि मेरा बिजनेस बढ़े। तो वर्क ऑन योर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। स्ट्रेंथ्स कैन बी टेलीकॉलिंग स्किल्स, वन टू वन मीटिंग जैसे आप लोगों ने बोला, रैपो बिल्डिंग है, फॉलोअप, डिसिप्लिन फॉलोअप, वो भी एक स्ट्रेंथ है। आई डोंट नो एनीबडी हैज दैट डिसिप्लिन फॉलोअप। अगर किसी ने बोला कि आपको 3 दिन के बाद हम लोग बात करेंगे, तो यू हैव टू से टुडे इज 18th, 3 दिन के बाद दैट इज 21st January, सो कैन आई कॉल यू एट 11 o'clock ऑन 21st January? यू हैव टू कॉल एक्जैक्टली एट 11, दैट इज डिसिप्लिन फॉलो। और उसने आपको बोला है कि 3 दिन के बाद बात करेंगे, लेकिन कल फोन करना, दैट इज इनडिसिप्लिन फॉलो। जो बोला है वही करना चाहिए, दैट इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन फॉलो सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज फॉलो अप इज द हार्ट ऑफ सेल्स। सेल्स पहले मीटिंग में हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग नो, लेकिन जनरली नहीं होता है, फॉलो अप इज रिक्वायर्ड। सो फॉलो अप डिसिप्लिन होना चाहिए, और सर्विस आपका ऑनेस्ट एंड ग्रेट सर्विस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ये कस्टमर से और कुछ आने का चांसेस नहीं, तो इसको मैं सर्विस नहीं दूंगा। सर्विस तो हम लोग को जो भी है, रात को 12 बजे 2 बजे फोन आया तो भी यू हैव टू स्टैंड अप फॉर हिम एंड हेल्प हिम। तो इस तरह से आपका अलग अलग स्ट्रेंथ होगा, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। प्रमोट 25 years सर्विस, वेरी गुड। सो पहला पॉइंट मैंने आपको बोला, 7 points वर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट व्हाट आई सेड इज वी हैव टू टेक अवर स्ट्रेंथ टू द, वी हैव टू बिल्ड ऑन अवर स्ट्रेंथ्स। नंबर टू, पॉइंट नंबर टू इज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स।
टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अभी ऐसा है ना कि आप देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से, आपका आपके जिंदगी में जो लोग है, आपके जिंदगी में आपका फैमिली मेंबर्स छोड़ के, मतलब हस्बैंड वाइफ माता पिता बच्चे भाई बहन फैमिली मेंबर्स छोड़ दो, ऐसे 7 लोग कौन है आपके जिंदगी में? हु आर दो 7 पीपल इन योर लाइफ हु आर नॉट योर डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव्स, लेकिन जिनके साथ आप ज्यादा ज्यादा, जिनके साथ यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, हु आर दो 7 पीपल विथ हुम यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम? अभी वो 7 लोगों का, अभी नहीं ये मेरा सेशन होने के बाद, वो 7 सोचो, 7 लोगों का नाम लिखो और आप देखोगे 7 लोगों का जो इनकम है उनका सबका इनकम आप ऐड करोगे, डिवाइड बाय 7 विल बी योर इनकम। इफ यू टेक इनकम ऑफ ऑल दो 7 पीपल एंड डिवाइड बाय 7 विल बी योर इनकम। तो आप जिसके साथ टाइम स्पेंड करते हो आप वैसे हो जाते हो। इफ यू स्पेंड टाइम विद समबडी हु इज नॉट अ करेक्ट इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस तो आप भी नीचे जाओगे। समबडी हु वॉन्ट्स टू अचीव समथिंग इन लाइफ, समबडी इज पॉजिटिव, आप भी। सो इट इज ऑल अबाउट संगति वैसे गति। यू बिकम लाइक अ पर्सन विथ हुम यू स्पेंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम। तो वो लोग टॉक्सिक है क्या? टॉक्सिक मतलब निगेटिव है क्या? यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल हु विथ हुम आई एम स्पेंडिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, आर दे टॉक्सिक, आर दे निगेटिव टॉकर्स, आर दे निगेटिव थिंकर्स? अभी देखो क्या है, मतलब कोई निगेटिव है तो निगेटिव है, उसकी गलती नहीं है। अभी क्या होता है, आप बोलोगे कि मैं आई वॉन्ट टू डू टीओटी दिस ईयर, अगर आप बोलोगे मेरे को टीओटी, तो अगर आपका जो फ्रेंड है वो बोलेगा यू कांट डू इट, अगर कोई बोला आपको यू कांट डू इट, अभी उसको आपको नीचे खींच रहा है ऐसा नहीं बोलूंगा, वो जेन्युइनली फील करता है कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोलोगे कि अगले 1 साल में मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, अगले 1 साल में मैं 60 लाख रुपए की मर्सिडीज कार खरीदूंगा, तो अगले 1 साल में ये जगह पे मैं बहुत बड़ा बंगलो खरीदूंगा, तो आपका जो फ्रेंड है उसको जेन्युइनली लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो आपको क्या बोलेगा, अरे कुछ नहीं होगा ऐसे। ही इज नॉट मे बी पुलिंग यू डाउन, ही जेन्युइनली बिलीव्स ऐसा नहीं हो सकता, तो उसकी गलती भी नहीं है। ही इज नॉट, वो आपका दुश्मन नहीं है, आपका दोस्त ही है, लेकिन उसकी थॉट प्रोसेस है कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, जैसी संगत वैसे रंगत, क्या बात है मिस्टर कोहली, बहुत सही डालो, जैसी संगत वैसे रंगत। तो आप अपने साथ, आप जिनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, प्लीज लुक एट दोस पीपल वेरी केयरफुली, और दे शुड ऑलवेज सपोर्ट यू, दे शुड ऑलवेज सपोर्ट यूर आउटलैंडिश ड्रीम्स, आउटलैंडिश गोल्स। आपको बहुत बड़ी बात करोगे तुम्हारे, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है यार, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, ऐसा बोलेगा तो आप समझ लो ये आपको, क्योंकि जो भी सपना है वो बहुत बड़ा ही होना चाहिए, सपना डिफिकल्ट ही लगना चाहिए, इम्पॉसिबल ही लगना चाहिए, और वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए तो आदमी है। तो आपके पास जो फ्रेंड सर्कल है, इफ दे सपोर्ट यू, यस यू कैन डू इट, यू हैव दैट इन यू, यू कैन डू इट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके जो संगत जो है वो आपने देखना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई एम टेकिंग अलोंग विद, किनके साथ में ज्यादातर टाइम स्पेंड करता हूं। यस, यू आर द एवरेज ऑफ द 7 पीपल यू विथ हुम यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम, यू आर एवरेज ऑफ दोस पीपल, सो यू हैव टू डिसाइड विथ हुम आई एम स्पेंडिंग टाइम। और आपको बोलो क्या होता है, हमसे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल आदमी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हालांकि आपसे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल आदमी आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करे, बोले यार इसके साथ मैं क्यों करूँ, ये तो कुछ नहीं किया मैं तो बड़ा, ऐसा हो सकता है। लेकिन वी हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट पीपल हु आर मच मोर सक्सेसफुल देन अस। अभी वहां ईगो हर्ट होता है, ईगो हर्ट होगा क्योंकि बार बार आपको दिखेगा ही इज डूइंग समथिंग विच यू नेवर थॉट ऑफ, वो बहुत आपसे आगे है मॉनिटरी वाइज, सब स्टेटस वाइज, लेकिन बिलीव मी इट इज चेंजिंग यू। आपका घर अगर 1 BHK है, आप किसी फ्रेंड के पास गए उसका 4 BHK 22वें वाले पे उसका फ्लैट है, बिलीव मी आपको अंदर कीड़ा लगेगा, एक काटा लगेगा, बोला यार ये कुछ करना है, और वो पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर ये 4 बेडरूम हॉल किचन में रहता है, ये 22वें वाले पे रहता है, तो आई हैव टू ऑल्सो, यू शुड गेट इंस्पायर्ड। कुछ लोग क्या करते हैं, इसके साथ दोस्ती नहीं रखने का, उधर जाता हूं तो मेरे को मेरे छोटे होने का एहसास होता है, इसके साथ घूमता हूं तो मुझे लगता है कि मैं तो वो छोटा हूं, तो उसके साथ घूमना ही बंद करो, देन यू डोंट वॉन्ट टू ग्रो। जब तक काटा नहीं लगा, जब तक दर्द नहीं था सीने में, खाक मजा था जीने में, वो दर्द होना चाहिए कि ये मुझे करना है, तब तक वो दर्द वो करूंगा तब ये दर्द हटाऊंगा, तब मजा तभी आएगा जब ऐसे लोगों के साथ आप रहोगे। अगर आपका दोस्त है उसके पास मर्सिडीज कार है, वन डे आपके पास भी मर्सिडीज आएगी, लेकिन आपके आजू बाजू वाले सब लोग बस में घूम रहे हैं, तो मेक श्योर कि यू आर ऑल्सो रोमिंग अराउंडिंग बस, उससे अच्छा अकेला रहना अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि दुश्मनी आपको करनी है, आपके दोस्त है तो जिंदगी भर दोस्ती है, कभी उनको जरूरत पड़ी तो आपको जाके उनको मदद करना है, दोस्ती तो रहेगी, लेकिन आपको ऐसे लोग देखने कि जिनके जिनके वजह से आप भी ग्रो हो जाओ, और फिर आपके जो दोस्त है नीचे उनको भी आप ऊपर पुल आउट कर सको। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप शुड बी अवॉइडेड।
हाँ क्या बात है, हरमीत बहुत जबरदस्त बोला है। इफ यू स्पेंड टाइम विद फाइव रिचेस्ट पीपल यू विल बी सिक्स्थ रिचेस्ट पर्सन, क्या बात। एंड इफ यू रोम अराउंड विद फाइव फूल्स यू विल बी द सिक्स्थ फूल, क्या बात। ये कोई बहुत बड़ा आदमी अपने बेटे को बोला था, आई डोंट रिमेम्बर किसका है, लेकिन बहुत जबरदस्त डायलॉग है। ओके नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लर्न फ्रॉम अदर्स सक्सेस। पीपल टॉक अबाउट वी हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स फेल्यूअर्स, वो भी ठीक है, आई एम नॉट सेइंग वो गलत है, लेकिन ऑल्सो लर्न फ्रॉम समबडी एल्सेस सक्सेस। अभी क्या होता है, हम लोग आई एम प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, आई एम सेइंग यू हैव टू लर्न फ्रॉम समबडी एल्सेस सक्सेस, लर्न, वी डोंट हैव टू कॉपी समबडी एल्स। द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट वी डू इज ये ऐसा कर रहा है चल मैं भी ऐसा करता हूं, नहीं चलेगा, उसका स्टाइल है। लारा लेफ्ट हैंड से खेलता है, सचिन तेंदुलकर राइट ही खेलता है, तो सचिन तेंदुलकर लारा की कॉपी करेगा तो बोल्ड हो जाएगा। तो सचिन तेंदुलकर लारा बोथ आर वेरी गुड बैट्समैन, बट सचिन इज राइट हैंडेड बैट्समैन, इज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, तो एवरीबडी सचिन लारा का टेक्निक देखेगा, ओके लारा इस तरह से खेलता है, लारा का ये स्टाइल है, ओके लेट मी इंप्लीमेंट दैट इन माई स्टाइल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपके आजू बाजू में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ आप रहोगे तो आप देखो क्या कर रहे हैं। And how you can emulate that? Don't copy, emulate. Get inspired by that, and आप उसको अपने style से करना चाहिए। जैसे राजेश रोशन, जो राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के पिताजी, उन्होंने बहुत सारे films निकाले, हिंदी films, कुछ films उसकी foreign मतलब foreign movies की copy बोल सकते हैं, हम लोग copy नहीं बोलूँगा, adaptation बोलूँगा, या कुछ books को उन्होंने adapt किया, तो उन्होंने उसको Indianize किया। अगर कोई आप बॉलीवुड की हॉलीवुड को मूवी देखते हो, हॉलीवुड यू कैनॉट कॉपी, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, अपना कल्चर अलग है, यू कैनॉट कॉपी दैट, सो यू हैव टू इंडियनाइज दैट। जैसे मैकडोनल्ड्स में बहुत सारी कंट्री में बीफ बिकता है, बीफ, लेकिन जब मैकडोनल्ड्स इंडिया में आके अगर बीफ बेचेगा तो उनके टुकड़े हो जाएंगे। तो मैकडोनल्ड ने क्या किया, उन्होंने अपना स्टाइल बदला, इंडिया के लिए उन्होंने क्या किया, अलग कुछ किया। यू कैनॉट डू द यू नो यू कैनॉट कॉपी, जो मैकडोनल्ड कर रहा था उन्होंने खुद की कंपनी का इंडिया में आने के बाद चेंजेस किया, दे कैनॉट थिंक ऑफ सेलिंग बीफ हियर, तो दे चेंज इट टू समथिंग एल्स। तो उसी तरह आपको देखना है, कोई सक्सेसफुल आदमी आपके साथ है, आपके कॉन्टेक्ट में, यू हैव टू फाइंड आउट वॉट इज डूइंग, हाउ इज डूइंग, एंड हाउ यू कैन इंस्पायर बाय दैट एंड डू वॉट यू कैन डू, आपके स्टाइल में आप क्या कर सकते। तो अगर कोई आप देखोगे कोई एडवाइजर है जो सिर्फ रिटायरमेंट प्लान्स बेचता है, उसने डिसाइड किया कि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग का, मतलब आई गो टू पीपल फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग ओनली, तो कॉपी का मतलब क्या होगा, मैं भी वही करना चालू कर रहा हूँ, मैं भी रिटायरमेंट प्लानिंग बेचना चालू करूँ, लेकिन मैं सोचूंगा हाँ उसका बेसिक क्या है कि उसने एक सेगमेंट पकड़ा है, यस टेकन वन सेगमेंट ऑफ रिटायरमेंट, सो व्हाट आर द अदर सेगमेंट्स जो मैं पकड़ सकता हूँ, ऑफकोर्स रिटायरमेंट भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन चिल्ड्रन सेगमेंट है, मे बी टर्म प्लान सेगमेंट है, मे बी हेल्थ सेगमेंट है, maybe children education marriage, there are various segments, yeah make mere area mein hi kaam karunga, I will not go around mere area, wahan 2 kilometers radius mein main kaam karunga, so like he is focused on one thing, I will be focused on one thing, but that one thing may be different, it doesn't have to be exactly same, usko jo success mila hai usne kis cheez ki wajah se usko success mila hai wo same cheez mujhe follow karni hai, copy nahi usko follow karna hai apne style mein। तो आप जब भी किसी सक्सेसफुल आदमी को मिलते हो, आपके आजू बाजू में सक्सेसफुल लोग भी बहुत सारे होंगे, व्हेन यू मीट देम यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर सक्सेसफुल, क्योंकि सबको रिजल्ट दिखता है, प्रोसेस नहीं दिखता है, इफ यू सी द रिजल्ट एज सक्सेसफुल, तो यू हैव टू ट्राई एंड फाइंड आउट हाउ ही हैज रीच्ड दैट लेवल, और वो चीज आपके काम का है। उसका अगर मर्सिडीज लेके घूम रहे तो आप भी बोलो चलो मेरे को मर्सिडीज लेनी है, लेकिन उसने क्या किया, क्यों मर्सिडीज तक पहुंचा, वो ज्यादा जरूरी है। Otherwise, you will always keep on thinking, मुझे भी मर्सिडीज लेनी है, you won't be able to move ahead in life. You have to understand what the hell he has done so that he reached where he has reached today. Okay, so building on our strengths, avoiding toxic relationships, and learning from others' success. These are the three things which we discussed. Now, let us go to the fourth thing. क्या करेगा हमारी हाँ उपेंद्र साहू, ये पॉइंट आपका पेचीदा है, लेकिन माय रिक्वेस्ट इज बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग वन टू वन में बात करेंगे अच्छा होगा, बिकॉज आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन उपेंद्र यू कैन ऑलवेज कॉल मी, कल अगर सुबह फोन करोगे तो वी कैन डिस्कस, मेरा नंबर 9820404
8795। तो अगर आपका पर्सनल कुछ इशू हो लग रहा है आपको कि मुझे ये चैलेंज आ रहा है, तो आई एम रेडी टू टॉक टू एनी टाइम। कल सुबह के टाइम पे आप कभी फोन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्योंकि हम आपका, मैं अगर एक का किसी का इशू ले लूँ तो बाकी लोग बोलेंगे यार क्या हो रहा है, क्योंकि जो टॉपिक्स मैंने डिसाइड किया वो मुझे कन्वे करने उसके लिए एक घंटा मैंने रखा है। तो आई एम रियली सॉरी, वी कैन डिस्कस इट टुमारो। ओके, लेट अस गो टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ, ग्रोथ माइंडसेट। अभी क्या होता है, आपको मालूम है ये जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी, आज तक सबसे बड़ी कंपनी है, अभी LIC स्टॉक मार्केट में आ जाएगी। LIC ऑल्सो, आई थिंक LIC विल बिकम नंबर वन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। लेकिन आज जो नंबर वन कंपनी है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, मुकेश अंबानी की कंपनी। तो जैसे टैगलाइन होता है ना, टैगलाइन, जैसे जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, चैलेंज द लिमिट्स, इस तरह का जो चैलेंज टैगलाइन होता है, टैगलाइन मतलब कंपनी के ब्रांड के नीचे एक टैगलाइन होता है, वैसे रिलायंस का टैगलाइन कोई बता सकता है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, कर लो दुनिया मुट्ठी में, आरकॉम का टैगलाइन था, आरकॉम, लेट अस नॉट डिस्कस दैट, वो आरकॉम इज बिकम, दैट इज बिकम हिस्ट्री। लेकिन RIL का टैगलाइन क्या है? Can anybody tell me what is the tagline of RIL, Reliance Industries Limited? आपको मैं हिंट दे रहा हूं, आपका आप जो टॉपिक तुम लोग बात कर रहे हैं वो टॉपिक क्या है? ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहे हैं। उपेंद्र, मेरा नंबर आपके डीओ से मिल जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको बोल रहा हूं वो लिख लो ना, 9820408795। और ये YouTube पे रिकॉर्डिंग रहेगा, वापस आप देख सकते हो, 9820408795। ट्रू वेल्थ, ग्रोथ इज लाइफ, परफेक्ट, वेरी गुड। ग्रोथ इज लाइफ, ग्रोथ इज लाइफ, ये इनका टैगलाइन है, ग्रोथ इज लाइफ। सो दे हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू ग्रो एवरी ईयर, दे वांट टू ग्रो एवरी मंथ, दे वांट टू ग्रो। अभी मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दे आर प्राउड इन सेइंग कि मैं पिछले 12 साल से MDRT हूं, पिछले 15 साल से आई एम अचीविंग MDRT। तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन जो पिछले 12-15 साल से कर रहा है। लेकिन यू टेल मी, अगर आपने MBBS एग्जाम पास किया, MBBS एग्जाम आपने पास किया, आप बोलोगे मैंने 12 बार पास किया एग्जाम, मैंने 15 बार MBBS एग्जाम पास किया। सो यार ठीक है, एक बार आप पास करो तो यू नो व्हाट इज MBBS, तो अभी फिर से एग्जाम दोगे पास ही हो जाओगे। तो MDRT अगर आप 12 साल कर रहे हो, एंड आई एम सॉरी इफ यू आर हैप्पी अबाउट दैट, दैट इज नॉट अ ग्रोथ माइंडसेट। यू हैव टू लुक एट, अगर ये साल में MDRT हुआ तो अगले साल मुझे मिनिमम डबल MDRT होना है, उसके अगले साल मुझे COT होना है, फिर वट एवर, यू हैव टू ग्रो इन सम वे। अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो क्या मतलब है? पानी जो बहता है वो नदी, अदरवाइज आप समझ लो पानी जमा हो गया तो क्या होता है उसमें। तो प्लीज हैव द ग्रोथ माइंडसेट कि आई हैव टू ग्रो, I have to grow. जो मैं कर रहा हूँ लास्ट ईयर जो कर रहा हूँ, आई हैव टू गो एटलीस्ट, आई हैव टू गो टू द मल्टीप्लाई बाई टू एटलीस्ट, मिनिमम आई हैव टू डबल इट व्हाट आई वाज डूइंग यस्टरडे। ओके, सो यू हैव टू हैव दैट ग्रोथ माइंडसेट ऑफ डबलिंग योर सेल्स, डबलिंग योर बिजनेस एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर, एवरी ईयर। इन्फोसिस 1993 में स्टॉक मार्केट में आई, इन्फोसिस 1993, उनका रिकॉर्ड है कि दे ऑलवेज लास्ट क्वार्टर से अगले क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा बेटर होता है, इट विल ऑलवेज बी बेटर देन द लास्ट क्वार्टर, ऑलवेज। और इन्फोसिस से एक ही कंपनी है, जब उन्होंने चालू की कंपनी तब से वो लोग प्रॉफिटेबल है, क्योंकि नारायण मूर्ति ने बोला कि जनरली कंपनी चालू होती है पहले 1-2 साल हम लोग लॉस में भी चलाएंगे, बाद में प्रॉफिट होगा, पहले दिन से प्रॉफिट होना चाहिए, दे वर्क लाइक दैट। ऑफकोर्स उसके पीछे भी कहानी है, दे नारायण मूर्ति हैड ओपन वन मोर कंपनी पहले, आई थिंक सॉफ्ट समथिंग, वो फ्लॉप हो गई, उसमें लॉस हो गया, लेकिन जो भी उन्होंने सीखा इन्फोसिस में पहले दिन से प्रॉफिट। तो ग्रोथ होना चाहिए, और आस्क योरसेल्फ हाउ आई एम ग्रोइंग। अभी ग्रोथ कैसे होता है? अगर आपको आपका रिजल्ट ग्रो करना है, आपका रिजल्ट ग्रो करना है तो क्या करना चाहिए आपको? अभी ग्रोथ माइंडसेट के वजह से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इफ यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट यू विल बी कॉन्फिडेंट। लेकिन आपको अगर ग्रोथ करना है, अगर आपका आउटपुट में ग्रोथ होना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? What should you be doing? क्या करेंगे आप ताकि आपका ग्रोथ होगा? इस बार MDRT तो अगले बार डबल MDRT होंगी, क्या करना चाहिए?
हाँ मिस्टर कोहली 100% करेक्ट। अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो इनपुट बढ़ाना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ाना है तो इनपुट बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल। और लेकिन इनसैनिटी ये है कि लोगों का आउटपुट तो बढ़ाना है लेकिन इनपुट नहीं बढ़ाते। मतलब 1+1 = 2, 1+1 = 2, पीपल वॉन्ट 2 to be 20, दे वॉन्ट 2 to be 20, बट दे ऑलवेज विल पुट 1+1। जो मैं कॉल कर रहा था, जो मैं फोन कर रहा था, जिस तरह से मैं बिहेव कर रहा था उसी तरह बिहेव करूंगा, लेकिन मुझे रिजल्ट दूसरा चाहिए। मैं 1+1 ही करूंगा लेकिन मुझे सामने 20 चाहिए, इट कैन नॉट हैपन। हाँ विनय, मीट मोर पीपल इज वन थिंग, यू हैव टू, देयर समथिंग हैज टू चेंज फॉर बेटर। यू कांट डू द सेम थिंग, यू कांट डू द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट। यू कांट डू द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट। यू हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स टू एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट। योर रिजल्ट मे बी बेटर और वर्स, इट कैन गो डाउन ऑल्सो। आप कुछ अलग करने जाओगे तो MDRT भी होते होते नीचे जाओगे, ऐसा भी हो सकता है, I'm not saying, लेकिन यू हैव टू टेक दैट चांस। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट सो दैट यू विल गो अप, और यू हैव टू गो, यू कैन गो डाउन, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि मैं नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके लिए अगर आप चेक्स एंड बैलेंसेस रखोगे तो यू नॉट गो डाउन, यू विल ओनली गो अप, बट यू हैव टू चेंज। हाँ लीमा, ट्रेनिंग तो ले सकते हैं, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या चेंज करना है, स्ट्रैटेजी चेंज करना है, मुझे इनपुट इनपुट क्या चेंज करना पड़ेगा वो देखना है। गणेश, रिलायंस का टैगलाइन है ग्रोथ इज लाइफ, रिलायंस का टैगलाइन है ग्रोथ इज लाइफ। तो आप समझ लो हम लोग को, हाँ मोर प्रोस्पेक्टिंग, अपॉइंटमेंट, मीटिंग, बिगर चेक्स, लेकिन अगेन आई एम सेइंग डोंट मेक इट जनरलाइज, मेक इट वेरी स्पेसिफिक, ये चीज मुझे बढ़ानी है, ये पर्टिकुलर चीज एक ही रखोगे तो ज्यादा बेटर है, उस पर फोकस रहेगा। This is what I want to change and this is how I will take my life to the next level, because if I want output to be 20, I have to put 10 plus 10. I can't say 1 plus 1 will be 20, 1 plus 1 will always be 2. If I want 20, I have to put 10 plus 10. Concentrate on different plans. Whatever आप सोचो इसके ऊपर, अभी ये individual है, मैं उसके ऊपर कुछ बात नहीं करूंगा, आपको खुद को पूछना है कि मैं मेरा input कैसे बढ़ाऊंगा ताकि मेरा आउटपुट बढ़ेगा, बिकॉज आउटपुट कैन नॉट ग्रो इफ यू डोंट ग्रो द इनपुट। इफ यू डोंट चेंज द इनपुट, आउटपुट विल नॉट चेंज, एंड एक्सपेक्टिंग द आउटपुट टू चेंज विदाउट चेंजिंग द इनपुट, ये दुनिया में 97% लोग करते हैं। 97% लोग करते हैं कि मेरा आउटपुट तो बदल जाए, मुझे रिच होना है, लेकिन जो मैं कर रहा हूं आदतें नहीं बदलूंगा, मैं वही करूंगा लेकिन मुझे रिच होना है, मैं वही करूंगा लेकिन मुझे TOT होना है, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू डू समथिंग विच यू हैव नॉट बीन डूइंग टिल नाउ, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर रहे। ओके दूसरा, बिफोर आई फॉरगेट आई विल लाइक टू टेल यू, एक मूवी जो है पुष्पा, पुष्पा करके मूवी है, हिंदी में भी है, आई थिंक ओरिजिनल इट इज कन्नड़ा मूवी बट इट इज इन ऑल लैंग्वेजेस, पुष्पा इज इन तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी। ये मूवी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मूवी तो सिंपल है, मतलब सिंपल मसाला मूवी, नो स्टोरी नथिंग, लेकिन दैट हीरो इज सुपर स्टार, मतलब आई हैव सीन हिज फर्स्ट मूवी, आई एम बोल्ड ओवर, मतलब मैं उसका फैन हो गया, अल्लू अर्जुन सुपर। लेकिन ये मूवी इसलिए देखनी चाहिए कि एटीट्यूड के लिए मूवी देखो, एटीट्यूड, अभी वो थोड़ा एग्जैग्रेशन है लेकिन उसका एटीट्यूड क्या है, मैं झुकूंगा नहीं, मैं ये ट्रिमेंडस, दैट मूवी शुड बी लुक्ड एट फ्रॉम दैट एंगल, कि ही इज शोन एज अ स्मॉल कुली, उसका एटीट्यूड वैसा ही है राजा की तरह, एंड वन डे ही बिकम्स किंग। तो एटीट्यूड के लिए मूवी आप देख लो, अल्लू अर्जुन, यस अल्लू अर्जुन, हाँ पुष्पा, ट्रिमेंडस, मतलब आई वॉज बोल्ड ओवर बाय हिज एटीट्यूड। और वो आपको बताऊंगा, वो एटीट्यूड चाहिए सक्सेस के लिए, वो एटीट्यूड चाहिए, पीपल मे से व्हाटएवर बट वो एटीट्यूड की जरूरत है। इफ यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, इफ यू आर सिटिंग ऑन वन, यू वांट टू गो टू 5 or 10, यू हैव टू वॉच पुष्पा एंड लुक एट हिज एटीट्यूड। उसको कॉपी नहीं करना है, सेम टू सेम, वो तो कुली दिखाया, बहुत अलग अलग पॉइंट है, लेकिन उसका वो बेस आप पकड़ लो, उसकी थॉट प्रोसेस आप पकड़ लो, क्या करता है, क्या सोचता है, और उसी तरह आप अपने धंधे में उसको इंप्लीमेंट करो। व्हाट पुष्पा हैज डन, व्हाट अल्लू अर्जुन हैज डन इन पुष्पा, that you should implement and you know put it in your business also. Okay, now next is expertise mentality, मतलब आपको किसी में expert होना है, किसी चीज में expert होना है। तो आप अभी जैसे आप LIC का business कर रहे हो, तो आप में से कोई बता सकता है कि मैं इसमें expert हूँ? विनय कुमार, आपका 22 हो गया, ओके 22 साल का MDRT ऑलरेडी हो भी गया, क्या बात है विनय, कांग्रेचुलेशंस विनय, यू डिजर्व टू बी TOT, और वो भी मेरे ख्याल से
आप में ताकत है, मल्टीपल टीओटी भी कर सकते हो. यू हैव यू शुड लुक एट, ऐसा टारगेट लो कि सामने वाला हड़बड़ जाएगी, क्या बात कर रहे हो. एंड विनर यू हैव द कैपेबिलिटी टू गो बियॉन्ड दैट आल्सो. हाँ, किलर इंस्टिंक्ट चाहिए. अभी क्या मालूम है, पब्लिक बहुत सारे लोग स्कूल स्मार्ट होते हैं. स्कूल स्मार्ट, स्कूल मतलब अपना जो जहाँ हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्कूल स्मार्ट. लेकिन पुष्पा इज स्ट्रीट स्मार्ट. और स्कूल स्मार्ट लोग बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे, लेकिन देर विल बी अ सीलिंग. स्ट्रीट स्मार्ट स्कूल स्मार्ट के ऊपर जाके बैठे. ही मे नॉट बी स्कूल स्मार्ट, ही मे नॉट बी गुड इन स्कूल, बट ही स्ट्रीट स्मार्ट. हाँ, तो आई वॉज सेइंग एक्सपर्ट मेंटेलिटी होना चाहिए, एक्सपर्टीज मेंटेलिटी. तो आप में से कोई बता सकता है कि ये मेरा एक्सपर्टीज है, मैं ये धंधा करता हूं, मैं LIC में हूं, तो मेरा ये इसका मैं मास्टर हूं, दिस इज माय स्पेशलिटी. क्योंकि आपका जो नॉर्मल डॉक्टर है, जो आप तो खांसी सर्दी के लिए आप जाते हो, वो आपसे 100 रुपए लेगा, 150 रुपए लेगा मैक्सिमम. लेकिन किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, किडनी स्पेशलिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट, वो आपको मिलने के 5-10 हजार रुपए ले लेगा और ऑपरेशन के 1,00,000 रुपए ले लेगा. ही स्पेशलिस्ट, ही नोज हार्ट लाइक एनीथिंग. उसको बाकी बॉडी पार्ट मालूम है कि नहीं, ऑफकोर्स मालूम है, लेकिन वो मास्टर है हार्ट का. और वो हार्ट का मास्टर है, ही स्प्रिंटिंग मनी. लेकिन जो डॉक्टर सब बॉडी जानता है उसको 100 रुपया, लेकिन जो हार्ट के बारे में पूरा जानता है उसको 1,00,000 रुपया. तो आपका स्पेशलिटी क्या है? हाँ बालाजी, यू आर एक्सपर्ट इन सेलिंग जीवन लाभ, वेरी गुड. तो जीवन लाभ के सामने कोई भी ऑब्जेक्शन आए, यू शुड बी एबल टू वाइप इट आउट. आप चैलेंज कर सकते हो कि बोलो कि क्या, जो भी आपको पूछना है पूछो, आई विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेरी. ये होना चाहिए. अगर मैं जीवन लाभ में किंग हूं तो टोटल किंग हूं, नोबडी कैन कम इन बिटवीन. आपका बिजनेस तो आपका बालाजी, दैट इज द केस, आपका टीओटी भी कोई रोक नहीं सकता. आपको खाली कस्टमर के पास अभी जाना है. अगर कस्टमर के पास नहीं जाओगे तो नहीं होगा, लेकिन गो टू कस्टमर. इफ यू नो वन प्रोडक्ट लाइक बैक ऑफ योर हैंड, यू कैन क्रश एनी कॉम्पिटिशन इन फ्रंट ऑफ दैट प्रोडक्ट. एनी सामने कोई भी आ जाए. वो पिक्चर था एक, हम किसी से कम नहीं, 1977 में आया था, ऋषि कपूर. कोई आए कोई जाए, हम किसी से कम नहीं है. अगर दुश्मन है, अगर दुश्मन जमाना गम नहीं, कोई आए कोई जाए, हम किसी से कम नहीं. अगर आपको वो है कि भाई किसी से कम नहीं, मेरा ये जो प्रोडक्ट है, मेरा ये जो स्पेशलिटी है, वो किसी से कम नहीं, आपका पानी पैसा आपके पीछे भागेगा. हाँ, तो विनय चाइल्ड एजुकेशन स्पेशलिस्ट, वेरी गुड. हाँ, विनय चाइल्ड एजुकेशन एंड रिटायरमेंट. देखो जैसे आपने दो पकड़ लिया ना, खलास हो गया. स्पेशलिस्ट इज नॉट हार्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट इज वन थिंग. अगर आप दोनों करोगे तो यू आर नॉट स्पेशलिस्ट. तो आई रिस्पेक्ट, आपको दोनों आता होगा, लेकिन माय अगेन हम्बल सबमिशन इज टेक वन थिंग. बिकॉज एक ही चीज को मास्टर, स्वामी विवेकानंद बोले थे, एक जिंदगी एक चीज. एक जिंदगी आप पाए हो ना, अभी एक चीज में मास्टर बनना, अभी दूसरी चीज के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा. एक एक चीज को मास्टर करना, एक ही चीज जिसमें आप चैलेंज कर सकते हो दुनिया में किसी को भी. मेरे सामने, इसके सामने कोई बात नहीं कर सकता. इसके लिए मैं किसी को भी, मतलब आई एम बेटर देन एनीबडी ऑन दिस प्लेनेट इन दिस थिंग, ये बोलने की ताकत होनी चाहिए. तो एजुकेशन और मैरिज मतलब चाइल्ड, बिना एक चाइल्ड के बारे में आप बोल रहे हो. हाँ, मंटू कुमार यादव, मैं एवरी ट्यूजडे 9 PM को यूट्यूब में होता हूँ. एवरी ट्यूजडे 9 PM हम लोग ये सेशन करते हैं, एवरी ट्यूजडे, मंगलवार को रात को 9 बजे. हाँ श्रीराम, श्रीराम जो आप बोल रहे हो रिलेशनशिप बिल्डिंग है ना, रिलेशनशिप बिल्डिंग ये प्रोसेस है, लेकिन आप मास्टर किस में हो वो देखना पड़ेगा. अगर आप बोलते हो कि मैं अगर आप डॉक्टर हो, बोलता मेरा कस्टम पेशेंट से रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होता है, ये ठीक है. लेकिन आप क्या करते हो, हार्ट स्पेशलिस्ट हो, लिवर स्पेशलिस्ट हो, के जनरल हो, तो आपको कुछ स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा. चाइल्ड एजुकेशन विथ जीवन लक्ष्य, ओके वेरी गुड. अनिल इज विथ चाइल्ड एजुकेशन जीवन लक्ष्य. तो जीवन लक्ष्य की किंग हो तो उसी में रखना. लेकिन देखो ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है. संबड़े ओके, क्रेजी बॉय सिंह जीवन लव, साधना सिंह जीवन लाभ सॉरी. तो अगर एक चीज क्या होता है, फोकस का मतलब क्या मोल में, फोकस हम लोगों ने फोकस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए. फोकस का मतलब क्या है, गोइंग आफ्टर वन थिंग एंड देयर विल बी लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच विल कॉल यूर अटेंशन. व्हेन यू आर गोइंग आफ्टर वन थिंग, लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच मे सीम बेटर देन द थिंग विच आर गोइंग आफ्टर, उनको रिजेक्ट करना, वो फोकस है. किसी एक चीज के पीछे जाना फोकस नहीं है. जब किसी एक चीज के पीछे जा रहे और 50 चीज को रिजेक्ट मारना, चौकड़ी मार देना, उसको बोलते हैं फोकस. जो पागल होता है वो एक फोकस में जाता है. और पागल लोग ही सक्सेसफुल होते हैं. पागल लोग सक्सेसफुल होते हैं, इतिहास बनाते हैं. और शाणे लोग इतिहास पढ़ते हैं. शिवाजी महाराज ने क्या किया, हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग शाणे हैं. लेकिन कोई पागल होता है वही सोचता, मैं ये करूंगा, मैं जाके लड़ूंगा, हम लोग 500 है सामने 5,000 है, जाके तोड़ दूंगा उनको. ये पागलपंथी करना चाहिए. तो आप ये सोचो कि ऐसा कौन सा पागल टारगेट आप ले रहे हो और फिर उसके पीछे लग जाओ. दुनिया हंसेगी शायद, आपके दोस्त भी बोलेंगे पागल है ये, गुड, यू शुड बी हैप्पी. क्योंकि अगर दुनिया पागल बोल रही है, समझ लो आप सही रास्ते में जा रहे हो. मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके आजू बाजू में देखो जो दुनिया कर रही है, जो दुनिया कर रही है वो मत करो.
अगर सक्सेसफुल होना है जो दुनिया कर रही मत करो, क्योंकि सारी दुनिया सक्सेसफुल नहीं है। 3% पीपल आर सक्सेसफुल, ओनली 3% पीपल ऑन दिस प्लेनेट। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंडिया में 1% पीपल, इंडिया में 1% पीपल हैव 73% मनी, 1% पीपल हैव 73% मनी। कैन यू इमेजिन 1% पीपल हैव 73% मनी। तो आपको वो देखना है कि किस तरह से किसको मैं फॉलो करूं। तो जनरली आपको आजू बाजू में देखेंगे वही देखेंगे जो यू अंडरस्टैंड दे आर नॉट इन 3%। तो आप वो मत करो, आप सक्सेस। तो यू हैव टू बी मास्टर ऑफ समथिंग, यू हैव टू बी। जैसे मुंबई में मलाड़ में एक जगह है जहां पान वाला है, पान वाला, एंड ही सेल्स, ही इज मास्टर ऑफ दोस पान। उसके पान 5,000 रुपए के आसपास भी है। औरंगाबाद में भी एक है मुच्छड़ पान वाला, उसके बाद भी 5,000 के ऊपर पान है, कोहिनूर पान बोलते उसको। एक पान आदमी 5,000 रुपए का बेच रहा है, पान जो खा के थूक देता है आदमी, 5,000 रुपीज। लेकिन लोग उसके पास जाके, मर्सिडीज का लाइन लगता है मलाड़ में, बॉम्बे में मलाड़ में मर्सिडीज ऑडी आती है, वो लाइन में खड़े रहते हैं, मतलब गाड़ी पार्क करके वहां खड़े रहते हैं, चुपचाप लाइन में खड़े रहते हैं, वो पान लेंगे 5,000 10,000 जो भी है लेके निकल जाएंगे। ही सेलिंग पान वर्थ 5,000 एंड मोर बिकॉज ही इज मास्टर। वो बोलते ये नहीं मैं मसाला डोसा भी बेचता हूँ, मैं वड़ा पाव भी बेचता हूँ, मैं जूस भी बेचता हूँ, नहीं मैं सिर्फ पान, मैं पान का मास्टर हूँ। ठीक है, तो आप अपना जीवन लाभ, लाभ अगर आपके लिए पान है तो उसको जीवन लाभ के ऊपर ऐसा मास्टर बनो कि लोग आपके घर पे आके आपको चेक देंगे। लेकिन उसमें मास्टरी होना चाहिए, मास्टरी मतलब यू डोंट, कोई आपके सामने उसके सामने दोबड़ी बड़ी बड़ी शूट से यार ये आदमी जीवन लाभ में बाप है, ये आदमी जीवन अक्षय में बाप है। आपको आपका जो जो भी कोर स्ट्रेंथ है यू शुड बी मास्टर टेरिबल। ये जो दुनिया ना स्पेशलिस्ट की है, आज की तारीख में स्पेशलिस्ट लोग पैसा कमा रहे हैं, जनरलिस्ट लोग पैसा नहीं कमा रहे। मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है तो आदमी गरीब रहता है, मुझे ये चीज जबरदस्त आती है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, एनीवे लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फेल्यूर यूनिवर्सिटी। कॉन्फिडेंस, हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने की। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आदमी ज्यादा फेल्यूर सहता है, वापस उठता है फेल्यूर के थ्रू, यू नो यू गो थ्रू द फेल्यूर एंड अगेन कम बैक, दैट इज वेयर कॉन्फिडेंस गोज अप। जैसे बॉक्सिंग मैच में भी जो आदमी गिर जाता है तो उसको हारा हुआ डिक्लेयर नहीं करते। जो आदमी गिरता है वो हारता नहीं है, जो आदमी उठने से इनकार करता है वो हारता है। सो लाइकवाइज जो आदमी गिरने के बाद भी वापस उठता है उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। अगर आप प्रॉब्लम में जाते हो, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम में हो, उसमें से बाहर आते हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। सो फेल्यूर इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। लेकिन क्या होता है फेल्यूर, निखिल केम्स कॉर्नर में भी है वो, यू आर राइट, मुच्छड़ पान वाला केम्स कॉर्नर में है, और मुच्छड़ पान वाला ने नेपियंसी रोड में बहुत बड़ा फ्लैट भी लिया है, और इस तिवारी मिस्टर तिवारी, तो उधर केम्स कॉर्नर में तो हाई क्लास क्राउड है, यू नो दैट। और मलाड में भी एक है, ही इज ऑल्सो सेलिंग दिस, अंधेरी या जूहू के वहां भी एक है। सो देर आर सो मेनी, बट दे आर हैविंग देयर ओन यूनिकनेस। एनीवे, तो मैं क्या बोल रहा था, जो फेलियर है, जनरली आदमी जब फेल होता है तो उसके दो रिस्पॉन्स होते हैं, दो रिस्पॉन्स। एक तो डिसअपॉइंटमेंट, यार ये कुछ होगा नहीं, मेरे से नहीं होने वाला है। फिर हम लोग ये नहीं बोलते, अपने आप को बोलते हैं कि मेरे में प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया को क्या बोलते हैं, मार्केट खराब है, कोरोना चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हम लोग अपने आप को रैशनलाइज करते कि ठीक है। लेकिन फेल्यूर से आदमी डिसअपॉइंटेड होता है और एक्शन लेना बंद करता है। फेल्यूर से आदमी डिसअपॉइंटमेंट लेता है और एक्शन लेना बंद करता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद 97% ऑफ द पीपल। लेकिन जो 3% लोग है, 3% लोग है जो सक्सेसफुल है, जो फेल्यूर को खुश होते हैं फेलियर आने के बाद, बिकॉज वो देखते हैं हाँ ओके ये ऐसा हो रहा है, ये मैं करता हूं तो ऐसा हो रहा है, ठीक है ये मैं सीखा, अभी मैं वापस नहीं करूंगा। एंड द मोर दे फेल स्मार्टर दे बिकम। सेम थिंग विथ यू, आप जब भी आज के बाद फेल हो जाओगे तो प्लीज अपने आप से पूछो कि मैंने इसमें से क्या सीखा। इफ यू आर नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दैट फेल्यूर, दैट इज अ रियल फेल्यूर। इफ यू आर नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दैट फेल्यूर, इट इज अ रियल फेल्यूर। इफ यू आर लर्नड समथिंग, इट इज अ रियल सक्सेस। दुनिया बोली कि फेल हो गया, लेकिन आपके लिए वो सक्सेस है, आपको मालूम पड़ा ओके ऐसा है क्या, चलो अगली बार देखते। और मैं तो आपको बोलूंगा कि सेल्स में एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, आप जितना नो सुनोगे, NO, आप जितना नो सुनोगे उतना आपके जेब में पैसा आएगा। सिंपल करके देख लो। हाँ, पुष्पा का डायलॉग क्या बात है नितेश, बहुत सही पॉइंट बोला। पुष्पा पिक्चर में डायलॉग था कि नाचना नहीं आता तो गाने को बुरा मत बोलो, बहुत जबरदस्त, थैंक यू, अच्छा याद दिला। नाचना नहीं आता तो गाने को बुरा मत बोलो, बहुत जबरदस्त। अनिल ये भी है, बाजीगर, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते, तो एंड में बाजी को मार लेता है।
तो मैं फाइनल पॉइंट ये बोलूंगा ये सब्जेक्ट पे फेल्योर यूनिवर्सिटी पे, आप जितना एज अ सेल्स पर्सन मोर नो एन ओ यू लिसन टू, मोर नोज यू लिसन टू, मोर मनी विल कम इन टू योर पॉकेट, सिंपल। लेकिन हम लोग नो से दूर भागेंगे तो इससे दूर भागोगे, पीरियड। एंड द लास्ट फॉर्मूला कॉन्फिडेंस के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अपना कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है, उसका लास्ट फॉर्मूला सलमान खान से हम लोग ने सीखा है, दैट इज सलमान फॉर्मूला, मैं उसे बोलता हूँ। सलमान की एक मूवी थी, उसमें बहुत जबरदस्त डायलॉग था, मैं जब कमिटमेंट करता हूँ, मैं जब कमिटमेंट करता हूँ तो खुद की भी नहीं सुनता, मैं जो कमिटमेंट करता हूँ खुद की भी नहीं सुनता, बहुत जबरदस्त चीज है ये। अभी क्या होता है, हम लोग अपने आप से कमिटमेंट करते हैं लेकिन वो हम लोग मेंटेन नहीं करते। अगर आपने बोला कि कल मैं 5 बजे उठूंगा और एक्सरसाइज करूंगा, अगर आपने वो नहीं किया तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। द बिगेस्ट ड्रेन फॉर ऑन योर कॉन्फिडेंस इज नॉट फॉलोइंग वॉट आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ, मैंने जो सोचा करने का, जो मैं खुद नहीं करूंगा, कॉन्फिडेंस नीचे जाए। तो मैं बोलूंगा, सलमान खान बोला कि कमिटमेंट कर दी तो खुद की भी नहीं सुनना है, आपने कमिटमेंट कर दिया कि कल मैं 8 जन को फोन करूंगा, 50 जन को फोन करूंगा, तो कल आपको कुछ भी लगे आपने खुद का भी नहीं सुनना है। प्राण जाए पर वचन न जाए, पिक्चर आई थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने एक बार वचन दे दिया खुद को, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया का, खुद को, अगर मैंने बोला कि मैं करूंगा, मेरे को खुद की नजर में गिरना नहीं है। इफ आई फॉल इन माई ओन आईज, इफ आई स्टार्ट थिंकिंग यार मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि मैं क्या हूं मुझे मालूम है ना। अगर मैं मेरे मैंने मैं जो सोचता हूं अगर नहीं करता हूं, मेरी अंतरात्मा मुझे बोलेगी तेरे में दम नहीं है। दुनिया भले आपको कुछ भी बोले, आपकी अंतरात्मा बोलेगी यू आर नथिंग, एंड आपका कॉन्फिडेंस फिर गटर में चला जाएगा। यू कैन नेवर बी, आपकी बॉडी बोलेगी कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन आपने जो सोचा, आपने सोचा अगर आपने किया, यार जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कॉल्स करो, अगर आप 25 कॉल दिन का करते हो तो 25, अगर आपने सोचा मैं 25 कॉल्स आई विल डू एवरी डे, आफ्टर यू कंप्लीट 25 कॉल्स, ऑल 25 पीपल हैव सेड नो टू यू, यू शुड टैप योर सेल्फ ऑन द बैक एंड से वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि तुमने अपने हाथ में जा जो था वो किया, नाउ इट इज अप टू गॉड। राहुल द्रविड़ का एक फॉर्मूला था कि जब टेस्ट मैच खेलने जाता था कि वो 30 ओवर्स वो खेलता था, 30 ओवर्स, once he goes inside he should be there for minimum 30 overs, 30 overs मैं उधर रहूंगा, ये उसका वही फोकस था, भले मैं रन करूं नहीं करूं, प्लेड करता था, प्लेड करेगा, लेकिन 30 overs में खड़ा रहूंगा, और उसमें से कोई लूज बॉल आता था मारता था, एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। उसका जो एवरेज है वेरी वेरी जस्ट नेक्स्ट टू सचिन तेंदुलकर। उसका अप्रोच क्या था, 30 overs में उधर रहूंगा। वैसे आप अप्रोच ले लो, भाई ये मैं रोज करूंगा, डोंट लुक एट द रिजल्ट इमीडिएटली, रिजल्ट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ्स, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा, लेकिन प्रोसेस शुड बी फॉलोड विद कंप्लीट डिसिप्लिन। हाँ, विनायक जाधव, वो डायलॉग वांटेड मूवी का है, हाँ वांटेड मूवी का डायलॉग है, करेक्ट। जब मैं कमिटमेंट कर देता हूँ खुद की भी नहीं सुनता। ओके, सो दिस इज व्हाट, ये 7 पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करना चाहता था, ये यूट्यूब पे वीडियो रहेगा। अभी एक मेरा प्रोग्राम मैंने चालू किया, MBA मैं बनूंगा अंबानी, में मैं सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्कस करता हूँ, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड। अगर आपको बड़ा प्रीमियम लाना है, HNI सेगमेंट में काम करना है, तो MBA आपको मेरे हिसाब से करना ही चाहिए। फिर कस्टमर के सामने बैठोगे तो अगर वो कोई कॉम्पिटिशन की बात करता है तो उसको ऑनेस्टली कंपेरिजन बताने की हमारी ताकत होनी चाहिए। किसी को बुरा बोल के हम लोग अच्छा नहीं बनते, वो भी अच्छा है, हम भी अच्छे, लेकिन हम लोग कैसे बेटर है बताना है, तो वो MBA प्रोग्राम है। और कबीरा स्पीकिंग एवरी फ्राइडे को होता है, MBA प्रोग्राम भी एवरी सैटरडे को होगा, लास्ट सैटरडे को चालू हुआ है, लेकिन ये रिपीट सेशन होने वाला है फ्राइडे को, एक रिपीट सेशन फ्राइडे को होगा। एक बार ये फ्राइडे क्रॉस हुआ तो आप वो प्रोग्राम में नहीं आ पाओगे, क्योंकि एक बार प्रोग्राम शुरू होगा ऐसा हो जाएगा। तो माई रिक्वेस्ट इज आप MBA करो, और कबीरा स्पीकिंग में हम लोग बड़े लोगों से बात करते। और नेक्स्ट मंडे 24th से स्कूल ऑफ HNI चालू हो रहा है, स्कूल ऑफ HNI लोगों के पास सामने बैठने के बाद किस तरह से क्या करना है ताकि हमें बड़ा चेक मिले, वो है। तो मेरे हिसाब से कबीरा स्पीकिंग, MBA और स्कूल ऑफ HNI तीनों चीज करनी चाहिए, अगर आपको TOT या बड़ा कुछ करना है। तो अगर नॉर्मल आपको 100 पॉलिसी 50 पॉलिसी करना है तो ये करने की जरूरत नहीं है, बड़ा करना है कुछ COT TOT करना है तो ये करना जरूरी है। MBA, स्कूल ऑफ HNI और कबीरा स्पीकिंग, ये तीनों प्रोग्राम करना चाहिए। और इसमें बहुत सारा स्कीम्स है, तो अगर आप फोन करो मुझे या हेमंत भाई को, और वी कैन सेंड यू द डिटेल्स, एनीबडी वॉन्ट्स टू नो वी कैन सेंड यू द डिटेल्स, ठीक है। अगर HNI, मैं तो बोलता हूँ कि TOT के पीछे लग जाओ, आपका TOT हो जाएगा, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ पावर LIC एंड LIC प्रोडक्ट्स हैव। आपके पास जो चीज़ है बहुत अच्छी है, बड़े लोगों का जाओगे आपका काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी को सवाल है यू कैन आस्क मी, एंड अगेन वी विल मीट नेक्स्ट ट्यूजडे 9 PM विद सम डिफरेंट टॉपिक। आज मैं प्राइमरली सेल्स के ऊपर मैंने बात किया, लाइक वाइज यू विल कीप ऑन गेटिंग द
टॉपिक्स। आप में से अगर किसी को मेरा मैसेज नहीं मिलता है डायरेक्टली, तो आपका मेरा आपका नाम मुझे व्हाट्सएप करो, तो मैं मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आपको डाल दूंगा, ताकि यू विल कीप ऑन रीडिंग द मैसेजेस। माय नंबर इज 9820408795 9820408795। अगर आपको कुछ भी ऐसा सवाल है और भी कुछ चीज है, तो यू कैन राइट नाउ यू कैन आस्क मी, और मे बी टुमारो यू कैन कॉल मी ऑल्सो, और यू कैन सेंड मी वॉइस मैसेज ऑडियो क्लिप कि क्या आपका सवाल है, मुझे व्हाट्सएप पे आप ऑडियो भेजोगे तो भी आई कैन आंसर टू दैट इफ आई नो हाउ टू। उसका आंसर मेरे पास है तो आई विल सर्टनली आंसर। थैंक यू रविंद्र। हाँ, मोर नोज मोर मनी। अरे क्या होता है कि हमारे बिजनेस में ट्रू वेल्थ, आपका नाम भूल गया मैं, बट आई विल, आपने बोला था लास्ट टाइम, बट एनीवे गुड नाइट, लेट मी एक्सप्लेन यू। नो नोज क्या होता है कि हाँ, विनायक जाधव 7 पॉइंट्स मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको 7 पॉइंट्स भेजूंगा। ये जो आज का जो 7 पॉइंट्स है आई कैन सेंड यू, और यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन टुमारो। हाँ योगेश, मैं फीस का आपको मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको डिटेल भेजूंगा। क्या होता है कि सेल्स में, सेल्स इज अ बिजनेस ऑफ रिजेक्शन, सेल्स इज द बिजनेस ऑफ रिजेक्शन। सेल्स में आपको ज्यादातर नो मिलेंगे और कम हाँ मिलेंगे। तो अभी क्या होता है, अगर मुझे 10 नोज के बाद एक यस मिलता है, इफ आई लिसन टू 10 नोज एंड आई गेट 1 नो 1 यस, अगर मैं 10 नो सुनता हूं तो मुझे एक यस मिलता है, मैं 100 नो सुनता हूं तो मुझे 10 यस मिलता है। तो 10 नो सुनूंगा तो मुझे एक ही यस मिलेगा, लेकिन मैं ज्यादा नो सुना, 100 नो सुना तो मुझे 10 यस मिलेंगे, 1000 नो सुना तो 100 यस मिलेंगे। तो जितना ज्यादा नो मैं सुनूंगा उतना ज्यादा मुझे सक्सेस मिलेगा, उतना ज्यादा मुझे पैसा मिलेगा, इनकम मिलेगा, कमीशन मिलेगा। सो दैट इज वाई वी शुड फोकस ऑन गेटिंग मोर नोज रादर देन सर्चिंग फॉर यस, गो फॉर नोज। तो सेल्स में सबसे बड़ा इशू क्या होता है, लोग यस को ढूंढते हैं, यस को ढूंढना नहीं है, नो को ढूंढना है, यस आ जाता है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, वैसा है ना पिक्चर गाना है वो 7 दिन में, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, उसी तरह यस ढूंढना नहीं जाता, नो के पास जाना पड़ता है। यू हैव टू कीप ऑन नॉकिंग द डोर्स, नो 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 नो, यस आएगा बीच में, आएगा ही, दैट इज लॉ ऑफ एवरेज। हमेशा रात नहीं होगी, सुबह तो होगी, और हमेशा सुबह नहीं होगी, रात भी होगी, हमेशा रात नहीं रहती, लेकिन अगर आप नो नो सुनते रहोगे एक दिन तो यस सुबह होने वाली है। यस, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड यू हैव टू सर्च फॉर यस, एंड यस विल, यस आर हिडन इन नोस। हाँ सुविचार, टीओटी की प्लानिंग ऐसा कैसे बताऊं, उसका जनरल नहीं ना मेरे भाई, हर एक आदमी का अपना अपना एक स्टाइल है, उसके ऊपर टीओटी का प्लानिंग करना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, एंड बेस्ड ऑन दैट स्ट्रेंथ यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर टीओटी। तो इफ यू वांट वी कैन टॉक सेपरेटली, आप मुझे फोन करो, हम लोग अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन जो नो से हारा, नो से डरा, उसको यस नहीं मिलेगा। अगर आप, जो आदमी मरने से डर गया वो आदमी जी नहीं सकता, रोज मरेगा, उसको मौत एक बार नहीं आएगी, रोज आएगी। उसी तरह से यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन टेकिंग नोज विथ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या है, नो आने के बाद भी काम कम नहीं करना है। पीपल व्हेन दे लिसन टू नो दे स्टॉप गोइंग आउट इन द मार्केट, खलास, क्योंकि नो के अंदर ही यस छुपा हुआ है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ आपको क्वेश्चन है, वी कैन ऑलवेज डिस्कस, माय नंबर इज विद यू, आप व्हाट्सएप करो मैसेज, यू कैन कॉल मी, वी कैन डिस्कस। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, थैंक यू।